नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिवाली के ऊपर क्या होता है कि लोग वाग जैसे कुछ चिकनी चीज़ें खाते हैं, कुछ फास्ट फूड भी खा लेते हैं, और खाने पीने से थोड़ा सा पेट में क्या रहता है, गड़बड़ होता है, इनडाइजेशन वगैरह की दिक्कत हो जाती है। और कई बार कुछ लोग क्या सर्दी जुकाम नज़ले से भी परेशान रहते हैं। अब ठंड का मौसम चालू हो गया है जैसे दिवाली के ऊपर, तो मैं कुछ योगासन प्राणायाम दिवाली के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, और दिवाली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो मैं कुछ योगासन प्राणायाम बता रहा हूँ, आप उनको करोगे तो स्वस्थ रहोगे। देखिए, सबसे पहले आप इसमें सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं ना, उनसे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप सूक्ष्म व्यायाम ये कर लिए, फिर आप थोड़ा सा जैसे बटरफ्लाई कर लिया, फिर आप अंगुलियों कैसे व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, फिर ये बैक पेन के लिए कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड ऐसे पांच पांच राउंड लगा लीजिए। इसके बाद में आपके जैसे कुछ लेटने वाले भी होते हैं, कुछ खड़े रहने वाले, कुछ खड़े रहने वाले में आप ऐसे ऐसे वर्कआउट आप कर सकते हो। फिर आप ये जो ताड़ासन होता है, फिर आप ये वृक्षासन कर सकते हो, इसमें जैसे थोड़ा सा बैलेंस बनाने का रहता है। दूसरी साइड से भी आप ऐसे ही करिए। ये वृक्षासन होता है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने में एक दो बार ऐसे होता है, फिर बैलेंस बनने लग जाता है शरीर का। उसके बाद मैं देखो कुछ लेट के करने वाले प्राणायाम योगासन बता रहा हूँ। लेटने वाले बता देते हैं, पवन मुक्त आसन कर लीजिए। जैसे दोनों ये पंजे जो है आपके मिले हुए ऐसे होने चाहिए और खींचे हुए होने चाहिए। साथ में कपाल भाती भी कर सकते हो आप ऐसे। ये होता सेतु बंधासन। उसके बाद में ये होता है बोट पोज, नौका पोज। इसके बाद में एक होता है वज्रासन पोजिशन। जैसे खाना खाने के 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बैठ सकते हो, खाना खाने के बाद बैठ सकते हो, ये वज्रासन पोजिशन होती है। वज्रासन पोजिशन में से आप लेट सकते हो पीछे की तरफ। इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। इसमें लेटने से जैसे कई लोग धरण वगैरह जो है ना, पेट जो है अपसेट होता है, धरण अपसेट हो जाती है, तो ये धरण सेट हो जाती है तुरंत। इसके बाद में आप इसमें नहीं लेट सकते हो, जो सुखासन वाली पोस्चर है उसमें लेट सकते हो। इसके बाद में आपके पास होता है एक मंडूकासन होता है, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत जोरदार होता है। तो आप जैसे पेट को क्या करो, अंदर की तरफ कर लिया, मुट्ठियां बंद करके और लंबी गहरी सांस लेनी है, और फिर आपको सांस आगे की तरफ छोड़नी है, पहले सांस लेनी है बस आगे तक जितना है, तो साथ में कपाल भाती करो तो और ही अच्छा। इसके बाद में एक होता सस्कासन, रैबिट पोज। इस रैबिट पोज में भी
तो रैबिट पोज में भी आप लेट सकते हो ऐसे, रैबिट पोज होगी। इसके बाद में आपके पास एक होती है उष्ट्रासन, जैसे जो ऊंट होता है ना उस पोज के अंदर। इसके बाद में होता है अर्ध चंद्रासन, हाफ मून पोज, फिर आप ऐसे ये भी कर सकते हो। ये कमर के लिए और प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके फेफड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम होता है, योगासन होता है। फिर आप बैक पेन के लिए कोबरा पोज पोजीशन में इस तरह से आप लेट गए। ये होता मकरासन, और फिर आप ऐसे नीचे तरफ हाथ रख के ऊपर से उठोगे। ये होता है आपका कोबरा पोज। इसमें तीन अभ्यास होते हैं, जैसे आप लेफ्ट राइट ऐसे दोनों तरफ देख सकते हो। फिर आप ऐसे आगे से भी उठ सकते हो। फिर आप पीछे से पकड़ के और आगे से उठोगे तो धनुरासन हो जाएगा। इसके बाद में आप जो है प्राणायाम कर सकते हो थोड़े से, जैसे मैंने थोड़े ही आपको योगासन वगैरह बताए ये कर लीजिए। फिर आप कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम है, पाँच सेकंड लेना है, 5 सेकंड अंदर रखना है, 5 सेकंड छोड़ना है। एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल, जैसे डेली आप 2-4 मिनट करिए इसको। इसको करने से नज़ला जो है वो नहीं रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम वो नहीं रहती है, पूरा सेट हो जाता है धीरे धीरे। फिर आप कपाल भाती कर सकते हो। कपाल भाती में क्या, जैसे आप वो फोर्सफुली सांस छोड़ना है बाहर, छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने पर नहीं। इसमें कमर सीधी रहनी चाहिए आपकी, और ये जो ध्यान मुद्रा के अंदर आप बैठ जाइए ऐसे। इसमें भी आप जैसे तीन अभ्यास कर सकते हो, जैसे लेफ्ट साइड से छोड़ सकते हो, राइट साइड छोड़ सकते हो, फिर ऐसे अल्टरनेट भी कर सकते हो। जिनको नज़ला रहता है, जिनको लंबा टाइम नज़ला है जो दूर नहीं होता है, जैसे कुछ लोग एंटेलर्जी सिट्राजिन एविल वगैरह खाते रहते हैं, लेकिन यदि आप ये नज़ले के परमानेंट आपको इलाज है, इलाज चाहिए, तो आप इसको कपाल भाती को ऐसे मैं डेली बता रहा हूँ, इसे 2 मिनट कर लीजिए। नाक बिल्कुल खुले होने चाहिए आपके, जैसे कुछ लोग नाक बंद हो जाते हैं सुबह उठते हैं ना अपन, तो जैसे मान लो राइट साइड का बंद है आपका ब्लॉक है तो आप लेफ्ट साइड लेट जाइए, लेफ्ट साइड का बंद है तो आप राइट साइड लेट जाइए। तो नाक आपके दोनों खुले होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, ब्लॉक नहीं होने चाहिए। तो ब्लॉक नोज को खोलने का एक बहुत बढ़िया तरीका है ये। फिर आप जो है उज्जाई कर सकते हो, और दूसरा भंवरे की तरह गुंजन होता है भस्त्रिका, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हो, और भंवरे की तरह गुंजन वाला जैसे मैं आपको बताऊँ, इस तरह से एक अंगुली आप यहाँ माथे पर रखिए, कैसे रखिए, बराबरी बोलते हैं इसको, ये ब्राह्मरी होता है, ब्राह्मरी कर सकते हो। ओम का उच्चारण कर सकते हो, ऐसे लंबे सांस लेने। फिर एक भस्त्रिका होता है, जैसे भस्त्रिका में क्या, आप जैसे 1 मिनट भी भस्त्रिका डेली कर लेते हो ना, तो आपका जो फेफड़ा है बहुत ही अच्छा मजबूत हो जाता है, सर्दी जुकाम वगैरह ये कुछ भी नहीं रहती है। तो आप भस्त्रिका के लिए लंबे गहरे सांस, जैसे एक बैलून को फुलाते हैं ना, गुब्बारे को फैलाते हैं, वैसे करना है।
जैसे आप फास्ट भी कर सकते हो, इसको मीडियम भी कर सकते हो, तेज भी कर सकते हो। ये तेज भी है और मीडियम भी कर सकते हो। जिनको बीपी वगैरह ज़्यादा रहता है उनको तेज नहीं करना, और जिनको थायराइड रहता है उनको थोड़ा स्लो करना है। और थायराइड के लिए आप है ना उज्जाई कर सकते हो, सिंहासन कर सकते हो। उज्जाई में क्या, जैसे गला वगैरह ख़राब होता है ना, कई लोग दिवाली पर चिकना खा लेते हैं, गला ख़राब हो जाता है। गले के लिए उज्जाई करना होता है, अंदर गले को टाइट बंद करना है आपको। टाइट बंद करके हवा फिर लेफ्ट साइड से छोड़ना है आपको ऐसे। फिर दोबारा देखिए, फिर एक सिंहासन होता है। सिंहासन में आप कैसे जैसे इस तरह से इस पोज में जैसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, और जैसे शेर दहाड़ता है ना ऐसे, इससे क्या होता है आपका गला जो है ना, टॉन्सिल वगैरह है वो सही हो जाते हैं सारे। और उज्जाई कर लिया और अनुलोम विलोम कर लेते हो साथ में डेली, तो जिनको थायराइड की जैसे कई लोगों को बहुत समस्या रहती है, मोटापा जैसे बढ़ता है, थायराइड मोटापा, ये सारे जो है ना, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लो 2-3 मिनट डेली तो सही रहता है। फिर सुबह उठ के आप गर्म गुनगुना पानी डेली 2 गिलास पीना होता है, और पेट बिल्कुल साफ रहना चाहिए आपका। सुबह उठते पहले फ्रेश होने का काम करना है, और फिर डेली मैंने 10-15 मिनट बताया है डेली प्राणायाम योगा वगैरह करते हो तो आप फिट रहते हो। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग फिट रहे, दिवाली आपकी आने वाली दिवाली भी अच्छी हो, ये दिवाली भी अच्छी हो। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।